मुंबई ड्रग मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए आर्यन खान के खिलाफ कई पुख्ता सबूत मिले हैं। अब खबर है कि आर्यन ड्रग पेडलर्स के टच में भी रहा करते थे। इस बात की तस्दीक आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट के जरिए हुई है। दरअसल एनसीबी द्वारा पूछताछ के दौरान आर्यन और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के मोबाइल फोन के डेटा को खंगाला गया था। उस जांच में ये बात सामने आई कि आर्यन खान कई पेडलर और ड्रग सप्लायर्स के टच में थे। उस सबूत के आधार पर ही एनसीबी ने आर्यन और अरबाज को आमने सामने बिठाया और जमकर सवाल जवाब किए। ऐसे खबर है कि उस पूछताछ के दौरान आर्यन खान टूट गए थे। अब कहा जा रहा है कि इन व्हाट्सएप चैट की मदद से एनसीबी उन तमाम ड्रग पेडलर्स की धरपकड़ करने जा रही है। वैसे एनसीबी ने इस ड्रग केस में अब तक कई बड़ी गिरफ्तारियां की है। आर्यन खान के अलावा अरबाज मुनमुन धमीचा को गिरफ्तार किया गया था। अभी के लिए इन तीनों को एक दिन की एनसीबी कस्टडी में भेज दिया गया है। इसके अलावा देर शाम एनसीबी द्वारा इश्मीत सिंह चड्डा, मोहक जसवाल, गोमित चोपड़ा, विक्रांत चोकर को भी गिरफ्तार किया गया था। अभी इन सभी का सोमवार को मेडिकल टेस्ट होना है और उसके बाद उन्हें ACMM कोर्ट में पेश किया जाएगा। ऐसे में एनसीबी की तरफ से इस केस में काफी तेजी से कार्रवाई की जा रही है। स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। केस की बात करें तो शनिवार को एनसीबी को एक ड्रग्स पार्टी के बारे में इनपुट मिला था। ये पार्टी क्रूज शिप पर की जा रही थी। शिप मुंबई से गोवा जानी थी, लेकिन एनसीबी को क्योंकि पहले ही पार्टी की भनक लग गई, ऐसे में ऑफिसर्स की एक टीम यात्री बल शिप पर सवार हो गई और इस सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। एनसीबी ने काफी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए हैं।